आप अपने फेवरेट इंसान के साथ एक शानदार जगह में घूम रहे हो और काफी एंजॉय भी कर रहे हो, और इतने में आपको एक आवाज आती है। अरे ये तो सिर्फ एक सपना था। थोड़ी देर बाद आप उठते हो, फ्रेश होने लगते हो। थोड़ी देर बाद जब आप याद करने की कोशिश करते हो कि आपने कौन सा सपना देखा, तो आपको याद नहीं आता। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, मोस्ट ऑफ ऑल हम सभी के साथ ऐसा होता है। इसीलिए हम अपने 99% ड्रीम्स को याद नहीं रख पाते। हमें डरावने सपने तो याद रह जाते हैं, पर नॉर्मल सपने याद नहीं रहते। क्या आपको ये पता है कि लोग अपने 6 से 8 घंटे के नींद के बीच में 3 से 7 सपने देखते हैं, पर क्या आपको अपने सारे सपने याद रहते हैं? मोस्टली लोगों का आंसर होगा नहीं। काफ़ी रेयर चांसेस रहते हैं कि हमें अपनी कोई सपना याद रह जाए। कभी कभी सुबह के टाइम पर देखा हुआ सपने याद रह जाते हैं, पर बाकी सपने हम कभी भी रिकॉल नहीं कर सकते। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। रात में जब आप सोने जाते हो, तो नींद में हम कई स्टेजेस से गुजरते हैं, जिसमें से एक स्टेज होती है REM, यानी रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में सोते टाइम हमारी आंखें तो बंद हो चुकी होती हैं, पर हमारी आंखों की मूवमेंट तब भी लगातार चलती रहती है। लेकिन हमारी आंखें कोई भी विजुअल इन्फॉर्मेशन ब्रेन को नहीं भेज पाती, हमारी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी होती है। REM के टाइम पर ब्रेन का सबसे एक्टिव पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम। ये हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस के पीछे काम करता है। जागते हुए सोते हुए यही हमारे इमोशंस को शो कराता है। यही रीजन होता है कि कई बार हमारे ड्रीम्स में एकदम रियलिटी जैसे सपने आते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी ऊंची सी बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हो, और ये फीलिंग इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है कि आप डर के उठ जाते हो। ये लिम्बिक सिस्टम रहता है सबसे ज़्यादा एक्टिव, और सबसे कम एक्टिव रहता है हमारा फ्रंटल लोब। इसका काम होता है मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर रीजनिंग वगैरह वगैरह। क्योंकि ये सबसे कम एक्टिव होता है, इसीलिए हम कई बार ड्रीम्स में इलॉजिकल चीज़ें कर रहे होते हैं, लाइक कहीं पे उड़ जाना, मरने के बाद भी जिंदा हो जाना। वैसे फ्रंटल लोब हमें लूसिड ड्रीम देखने में भी मदद करता है। लूसिड ड्रीम में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सपने में क्या और कैसे देखना है। इसके बाद आता है हिप्पोकैम्पस। इसका काम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देना। अपनी डेली लाइफ में हम अनइम्पोर्टेंट टास्क को भुला देने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। यही पहला रीजन है कि हमें अपने ड्रीम्स याद नहीं रहते। हिप्पोकैम्पस कुछ चीज़ों को अनइम्पोर्टेंट सोचकर ट्रैश कर देता है, जिसमें हमारे कुछ ड्रीम्स भी इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ब्रेन उनके शॉर्ट टर्म मेमोरी को यानी ड्रीम्स को लॉन्ग टर्म में बदलने में एक्सपर्ट होता है, और कुछ लोगों का नहीं होता। इसलिए कुछ लोग अपने ड्रीम्स को अच्छी तरह से रिकॉल कर पाते हैं और कुछ लोग इसको याद नहीं कर पाते। 2002 में ड्रीम से रिलेटेड एक स्टडी पब्लिश की गई थी द अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकेट्री में। इसमें बताया गया है कि सुबह उठकर अपने सपने को भूल जाना ये ब्रेन की एक न्यूरोकेमिकल कंडीशन है जो REM स्लीप फेज के दौरान होती है। एक हार्मोन है नॉरपिनेफ्रिन। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इस हार्मोन की कमी की वजह से मेमोरी वीक होती है और हम सपने रिकॉल नहीं कर पाते। ये हैं कुछ मेन रीजंस हमें सपने याद ना रहने के। हमें नाइटमेयर्स याद रह जाते हैं क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है नेगेटिव पर ज़्यादा फोकस करने की। हमारे लिए नेगेटिव एक्सपीरियंस को रिकॉल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। यही रीजन है कि हम लोगों के बारे में भी पॉजिटिव कम याद रखते हैं और नेगेटिव ज़्यादा। इसीलिए जब हम कोई डरावना सपना देखते हैं तो उसे आसानी से याद रख पाते हैं। लास्ट टाइम आपने ऐसा कौन सा सपना देखा था जो आपको अभी तक याद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें।